दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पहले T20 महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार के बाद रो पड़े हैं ऑस्ट्रेलियन T20 कप्तान मैथ्यू वैट। उसके बाद उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से लेकर ईशान किशन और फिर भारतीय टीम के बारे में जो कुछ कहा है, सुनने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा, साथ साथ आप भी आज मैथ्यू वैट को सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो आखिरकार पहले T20 महामुकाबले में भारतीय टीम से हारने के बाद क्या बोले हैं ऑस्ट्रेलियन कप्तान मैथ्यू बैड, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस श्रृंखला में 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर कर पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। दोस्तों, विश्व कप 2023 में शर्मनाक हार झेलने के बाद भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भिड़ रही है। इसका पहला T20 महामुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर शुरू हुआ, जहां पर भारतीय टीम ने शुरू में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को यह फैसला भयंकर महंगा साबित हुआ। आज किसको पता था कि ऑस्ट्रेलिया टीम इतना बुरा भारतीय गेंदबाजों का हाल करने वाली है, जहां पर सबसे पहले तो स्टीव स्मिथ ने 41 गेंदों में 52 रन बनाकर शुरू में ही भारतीय टीम की बकियां उधेड़ दी थी। इसके बाद जो सिंगलिस ने आकर जो पारी खेली थी, वह तो भारतीय गेंदबाजों को चकनाचूर करके चली गई। 50 गेंदों का सामना किया, 11 चौके 8 छक्के लगाकर 110 रन की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 208 पर ले गए, जहां पर भारतीय टीम के लिए यह जीत बिल्कुल नामुमकिन थी। आज ऑस्ट्रेलिया ने सोचा था यह महामुकाबला भारतीय टीम के खिलाफ हम आसानी से जीत जाएंगे, मगर किसको पता था आज भारतीय युवा टीम तूफान मचा देगी। ओपनर उतरे ऋतुराज गायकवाड़ तो बिना खाता खोले रन आउट होकर चले गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 21 रन की पारी जरूर खेली। लग रहा था शुरू में 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद भारतीय टीम कमजोर हो जाएगी, मगर इसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला, 112 रन की शानदार शतकीय साझेदारी की और अपनी टीम को जीत के नजदीक ले गए। जहां पर ईशान किशन ने तो आज 39 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरू में परीक्षा ली। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने T20 का नंबर 1 बैटर होने का आज जलवा दिखा दिया और 42 गेंदों में 80 रन ठोक कर भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल कगार पर ले गए। मालूम यह था कि महज 10 ओवर में भारतीय टीम 100 के पार चली गई थी। फिर तिलक वर्मा ने 12 रन बनाए, अंत में रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को जिता दिया और 8 विकेट खोकर भारतीय टीम ने 209 रन बना दिए और इस विशाल स्कोर को आसानी से चेस कर लिया। इस महामुकाबले में भारतीय युवा टीम, जो कि टीम बी के बराबर मानी जा रही, उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम हार गई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कप्तान बेहद ज्यादा भावुक नजर आए। उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा, आज इस महामुकाबले में शुरू से पूरा हमारे पक्ष में सब कुछ जा रहा था, मगर ऐसे मुकाबले में हारना जहां पर शुरू से आप जीत रहे हो बेहद ज्यादा बुरा होता है। यह हमारे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट है। जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी की थी वह हमारी शानदार रही, हमारी गेंदबाजी भी अच्छी रही। मैं हमारी टीम की कोई भी बुराई नहीं करना चाहूंगा, ना ही मेरी हमारी टीम ने कोई भी कमी छोड़ी है। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। सूर्य कुमार यादव, जो कि सबसे ज्यादा रन बनाकर गए हैं, आज उन्होंने बता दिया कि क्यों वह T20 के नंबर 1 बैटर हैं। उन्होंने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है उससे साबित होता है कि सच में वह T20 के नंबर 1 बैटर होने के काबिल भी हैं। आज ईशान किशन की बल्लेबाजी भी अच्छी थी। अंत में हम तो मुकाबला जीत चुके थे, मगर हमको पता नहीं था कि IPL कितना किसी देश को इतना बदल सकता है। IPL से निकला हुआ सितारा रिंकू सिंह आखिरी गेंद पर सिक्स लगाकर हमको हरा देता है। यह हमारी टीम के लिए बेहद झकझोर देने वाला मूवमेंट होता है। कहीं ना कहीं आखिर में हमने वापसी की थी, मगर रिंकू सिंह की चालाकी की वजह से हम आज महामुकाबले में हार गए। हम मानते हैं भारतीय टीम को जितना हम कम समझ रहे थे उतनी छोटी टीम नहीं है, हमको आने वाले मुकाबलों में अच्छी तैयारियां करनी पड़ेंगी। हाँ, मगर मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा आज भारतीय टीम के युवाओं का प्रदर्शन का। मैं मानता हूँ कि भारतीय टीम के पास जो काबिलियत है वह अगले विश्व कप में भी भारतीय टीम को जीत की मुख्य दावेदार बना रही है। और जिस तरीके से आज मैंने प्रदर्शन देखा है, मैं तो दंग रह गया हूँ। यह इनकी कंप्लीट टीम नहीं है, अगर कंप्लीट टीम होगी तो क्या हाल करेंगे। बाकी मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की और विराट कोहली की। इनने ऐसी युवाओं की टीम तैयार खड़ी कर दी है कि उनके जाने के बाद भी अब भारत को आगे विश्व क्रिकेट पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यह तो शानदार मैथ्यू वैट का वह बयान है जो उन्होंने अपनी हार के बाद दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 विश्व कप 2024 जीतेगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।